साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। कोरोना वायरस के डर से परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर जब यूपी कॉलेज के सैकड़ों छात्र प्रधानाचार्य के पास पहुंचे और परीक्षा स्थगित करने की मांग की तो प्रधानाचार्य ने छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें वहां से भगा दिया और छात्रों को निष्कासित करने की बात की, जिससे छुत्म होकर सैकड़ों छात्रों ने यूपी कॉलेज के परिसर से होकर वाराणसी जिला मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांग की कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए परीक्षा को स्थगित किया जाए। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। पैर उड़ कर जाता माता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। छात्र केवल छात्र है, वार्ता करने के लिए वार्ता नहीं किया, ढके हुए हैं हवा इधर बाहर में बन गया लिया। ये है वचन, कहते हैं मेरा वचन ये शासन बाहुबलियों का। और एनुअल एग्जाम एक फॉर्मेट हुआ BSc, BA, BCom ये सब का, और जो सेमेस्टर एग्जाम है इसका तो अलग फॉर्मेट बनता है, क्या ना कि इसी में चलेगा। और जो बच्चे हम लोग गए बात करने के लिए तो एकदम छल्ला के गुंडे गुंडे का जो लहजा होता है, भागो यहाँ से, हम नहीं करेंगे, ये करेंगे, दिस दैट करेंगे। हम सर से बोले हैं सर कोरोना से तो कम डर लग रहा है, आपके गुस्सा से ज़्यादा डर लग रहा है, आपसे बात कर रहे हैं। और बाकी जो एग्जाम चल रहे हैं वो चलेंगे, नहीं ये कॉलेज प्रशासन कराता है, इंटरनल पेपर होता है। 20 नंबर का मिडटर्म होता है एग्रीकल्चर की बात है आज, और 20 नंबर का हम लोग का होता है प्रैक्टिकल। तो आज जो मिडटर्म स्टार्ट हुआ है तो सबसे बात करने हम लोग गए हैं कि सर ये तो एग्जाम नहीं होना चाहिए, एग्जाम टालने के आदेश है अकॉर्डिंग टू जैसा बताया गया है प्रदेश सरकार का, जो भी आदेश है बोल रहे हैं कि कॉलेज का एग्जाम चल रहा है प्रैक्टिकल एग्जाम। जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, BHU हो, पंतनगर हो, चंद्रशेखर आजाद हो, नरेंद्र दे हो, सारी जगह हम लोग मतलब अपने सीनियर हैं, कुछ बैचमेट्स हैं, कुछ स्टाफ के दोस्त हैं, जूनियर हैं, पढ़ा सारे लोग हमने भेजे हैं। वहाँ मिड टर्म कैंसिल हो गया, कंडीशन मिड टर्म मैम क्लास लेवल का एग्जाम, जैसे कि सब लोग नियर बाई होकर बैठता है, अगर रोज इसमें आना, ऐसा नहीं है कि एक दिन आना है। एनुअल एग्जाम में क्या है, आज आया 10 दिन बाद नहीं आया, तो स्थिति नॉर्मल हो सकती है, लेकिन मिड टर्म में मैम 7 दिन लगातार चलना है, आज हुआ फिर कल होगा फिर परसों होगा। तो किसी भी कंडीशन में खुदा न करे ऐसा हो, भगवान न करे किसी एक हो गया इसी को हो गया, और क्या उल्टी परीक्षा मैम कुछ हो गया, अगर कोरोना होगा तो ये कर लेंगे, ना मास्क दे रहे हैं ना सैनिटाइजर दे रहे हैं, क्लास और मिड टर्म में क्या अंतर, क्लास और मिड टर्म में कोई अंतर ना, मैम कैंसिल तो होना चाहिए आपके अनुसार, आप बता दो। मतलब जब हम बात करने गए मैम, जब बात करने गए तो शासी महाविद्यालय वाराणसी। आज आप लोग यहाँ जिला मुख्यालय पर किस लिए आए? देखिए भैया, सारे एग्रीकल्चर के छात्र इकट्ठा होके प्राचार्य से मिलने गए, प्राचार्य बातें नहीं कर रहे, सीधा तानाशाही रवैया अपना रहे, वो चाहते हैं कि बच्चों से तेज़ आवाज़ में बात करेंगे, वो भी तेज़ आवाज़ में बात करेंगे, SO CUPR वहाँ मौजूद है, तुरंत मुकदमा करा देंगे और निष्कासन कर देंगे, हम खाली हो जाएंगे। जो भी नेता टाइप, जो देश के भविष्य हैं, जो भी लड़के, उनका वो निष्कासन, 5 बच्चों का भी निष्कासन किए हैं। जब हम लोग की बात नहीं सुनी गई है तो अजीज आके मजबूर होके हम लोगों को पूरे छात्रों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से, इंस्पेक्टर सुपुर भी थे उनके साथ, हम लोग जिलाधिकारी से मिलने आए। मांग था आप लोग का प्रचार, मांग ये था कि परीक्षाओं को रोका जाए। क्यों? क्योंकि
जो कोरोना वायरस फैल रहा है देश में, उससे हमारे बनारस में भी एक आध पेशेंट आ गए हैं, और फैल जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रिंसिपल खुद ही बिना नहाए धोए आ जाते हैं कॉलेज में पान खा के। ये शर्मनाक बात है उदय प्रताप शासी महाविद्यालय, पान खा के आते हैं और हम लोग को सिखाते हैं। हम लोग पान खा ले तो गुंडे हो जाते हैं, वो लोग पान खाए तो मासी हो जाते हैं। इस बात को संज्ञान में ले जिला अधिकारी महोदय, नहीं तो हम लोग और भी बड़ा आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री जी को पकड़ने का काम करेंगे। वो तो हर हफ्ते मुख्यमंत्री जाते हैं, और फिर किसी भीड़ से और किसी पुलिस प्रशासन से हम लोग नहीं मानेंगे, रोकते रहे लोग और हम लोग भी देख लेंगे, और हम लोग जरूर मिलकर अपनी बातों को करेंगे। निशांत कुमार सिंह, बीएससी एग्रीकल्चर, फोर्थ ईयर का छात्र हूँ, ये मेरी आईडी कार्ड है। आज यहाँ जिला मुख्यालय पे किसने प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? जी प्रदर्शन नहीं है, हमारी बातों को जो दबाया गया है उस बातों को हम लोग आगे बढ़ा रहा है। कंडीशन ये है कि जो प्रदेश सरकार है, योगी सरकार है, उन्होंने एक नोटिस जारी किया कोरोना कोविड 19 को देखते हुए कि जो भी क्लासेस हैं उसको बंद किया जाए, जो एग्जाम हो रहे हैं, जो कंडक्ट हो चुके हैं, एक दो पेपर हो गया उसे किया जाए, और जो नहीं एग्जाम हुए हैं, जिस फॉर्मेट का एग्जाम नहीं हुआ है उसे बंद किया जाए, उसे पोस्टपोन किया जाएगा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे एग्रीकल्चर के, सब अपने आप में टॉपर हैं। यहाँ पे बात इसलिए रखा गया कि मिड टर्म कैंसिल करा है। कंडीशन ये है कि मिड टर्म एक ऐसा एग्जाम है जो पर डे होता है, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, हर एक डेट को मिड टर्म होता है। तो क्लास और मिड टर्म में क्या फिर अंतर हुआ? क्लास बंद कराने का मतलब कि गैदरिंग ना हो, एनुअल एग्जामिनेशन होता तो हम लोग कुछ नहीं करते, लेकिन मिड टर्म में सारे बच्चे बहुत दूर दराज से आते हैं। भगवान न करे कि किसी एक को अगर वायरस हुआ, कोविड 19 हुआ, तो फैलते देरी नहीं लगेगी, क्योंकि उनको रोज़ आना है, ऐसा नहीं कि सैनिटाइजर लगा के कभी वो ख़त्म कर लिए, उनको रोज़ एग्जाम देने आना है। और बात रही मिड टर्म कैंसिल की, तो हम यूपी कॉलेज की कैंसिल कराने की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी एग्रीकल्चर की अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, BHU हुआ, पंतनगर हुआ, आपका चंद्रशेखर आज़ाद हुआ, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ, DU हुआ, हर जगह का वहाँ पे मिड टर्म कैंसिल कराया गया है कि अगले आदेश तक, जब तक बंद नहीं होता है, जब तक अगला आदेश नहीं आता है तब तक ये बंद किया जाएगा, आगे पोस्टपोन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग गए तो हमारे कॉलेज प्रशासन, हमारे जो प्राचार्य जी हैं डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह, ये गुंडे के लहजे में बात कर रहे हैं कि देना एग्जाम दो, नहीं देना है मत दो, घर धरा रहा है वगैरह वगैरह, ये है मेरा इनसे संबंध है, हम तुम लोग का करियर खत्म कर देंगे, 30 में 0 दे देंगे। ये इंटरनल एग्जाम है, ये लोग चाहें तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। ये कॉलेज प्रशासन का स्वयंशासी संस्था है हमारी यूपी कॉलेज, सब लोग जानते हैं, लेकिन ये लोग इस पर तैयार नहीं हो रहे हैं कि हम अपनी एग्जाम को आगे बढ़ाएं। ये लोग चाह रहे हैं कि जो हो रहा है, जो लिपापोती हो रही है, इसी में सब हो जाए। आज BA का एग्जाम है, BA फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर का एग्जाम है, वो आज के बाद सीधे 25 तारीख को है, लेकिन फंसेंगे तो एग्रीकल्चर वाले ना, आज भी है, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, पर डे है, पर डे हम लोग लगातार 10 पेपर है। आज आप लोगों ने क्या किया? प्रचार के सामने समक्ष हम लोग जाके बात किए कि सर एग्जाम तो कैंसिल हुआ है, तो बोले कि एग्जाम कहाँ कैंसिल हुआ, बोला गया जो चल रहा है वो चलेगा, यूपी कॉलेज का एग्जाम चालू हो गया है। हम बोले सर मिड टर्म का फॉर्मेट तो नहीं चालू हुआ है, मिड टर्म का फॉर्मेट तो बंद है ना, उसको आप बंद कीजिए, तो कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, जो करना है तुम लोग को कर लो, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज वो एक्सप्रेस करें अपने साउंड से, मतलब धमका रहे हैं कि जो हम कहेंगे वो कहेंगे, पेड़ को कह देंगे लकड़ी है, हरा पेड़ को सूखा लकड़ी है, सब लोग कहें सूखा लकड़ी है, कोई उसे हरा पेड़ कह दिया तो उसके ऊपर विरोधी है, उसको निष्कासन कर देंगे। DM के लिए यही आए कि जो हम लोग बातों को दबाए, जरा मिड टर्म को ये पोस्टपोन कराए। DM सर से मेरा यही आग्रह है, क्योंकि पर डे बच्चे इतना गेदर्ड होंगे, 400-500 बच्चे रोज मिलेंगे, और कोविड 19 किसी एक को हुआ तो सब में हो जाएगा। क्लास पोस्टपोन का मतलब क्लास फॉर्मेट का जो भी परीक्षा उसे भी पोस्टपोन किया जाए, मिड टर्म भी क्लास फॉर्मेट का एग्जाम। थैंक यू।